सर्वप्रथम तो कोरोना के महामारी को लाकर पूरे विश्व को आज एक बड़ी मुसीबत में रख दिया है। साथ ही साथ ऐसे समय में, इस महामारी के समय में, चाइना ने अपने आर्थिक, राजनीतिक और सरहदी एजेंडाओं को पूरा करने के दुराशय के साथ में एक हीन पाप किया, हीन कृत्य किया है। भारत के 3 जवानों को सैनिकों को शहीद करने का काम किया, जिसमें एक कर्नल रैंक के आला अधिकारी भी मौजूद उपस्थित थे और वो शहीद हुए हैं। हम सर्वप्रथम हमारे तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ में चाइना को चेतावनी देते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का नया भारत है। ये मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और भारत के जो नागरिक हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि ये जो चाइना के जितना भी प्रोडक्ट्स है, उन चाइना के सारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए। आज इन चाइना के मोबाइलों को तोड़कर, उनकी होली करके, उनका अग्निदाह करके हमने एक आह्वान की शुरुआत की है कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का भी साथ ही संकल्प लिया जाए। चाइना को चेतावनी देते हैं कि भारत के सार्वभौमत्व पर जिस प्रकार आज हमला हुआ और हमारे 3 जवानों को शहीद करने की जो भूल की है, उनका हम करारा जवाब देंगे। हम भारत सरकार के साथ हैं और भारतीय सेना के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उनके साथ रहेंगे।